नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो आ रहे हैं इसराइल से, और उसमें भी खासकर टेल अवीव से। ये जो मानवमेदनी आप देख रहे हैं उसकी जो संख्या बताई जा रही है वो तकरीबन 3 लाख बताई जा रही है। जी हाँ, 3 लाख लोग कल रात को इसराइल का जो कैपिटल है टेल अवीव उसकी सड़कों पर उतर आए थे। और हाल में जो गाजा में ऑपरेशन चल रहे हैं हमास के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए और सीज फायर की डिमांड करते हुए ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। अब ये पहली बार के विजुअल्स नहीं है जब ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं टेल अवीव में, आगे भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन ये जो हाल में इतनी बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं उतनी बड़ी संख्या पहले नहीं देखी गई थी। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हाल ही में गाजा में से, उसमें भी गाजा की जो टनल्स हैं उसमें से 6 बंधकों की डेड बॉडीज बरामद की गई थी। अब वो जो 6 बंधक थे उनको 7 अक्टूबर 2023 को, जी पिछले साल 7 अक्टूबर को बंधक बनाकर गाजा में ले जाया गया था। उनकी जो डेड बॉडीज थी वो रिकवर की गई, और उसके बाद जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो ये पता चला कि ऑटोप्सी के 48 से 72 घंटे पहले ही इन लोगों को गोली मारी गई थी। यानी कि बॉडी रिकवर की गई उसके कुछ ही घंटों के पहले उन लोगों को मार दिया गया था। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो हॉस्टेजेस अभी भी वहां पर रखे गए हैं जिनकी संख्या तकरीबन 100 के करीब है, उन लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह और बार्गेनिंग चिप्स की तरह उपयोग में लेने का प्लानिंग किया गया है हमास के द्वारा, और खास करके जो हमास का की लीडर है, की कमांडर है याया सिन्वर, जिसके पीछे हाल में IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस लगी हुई है उसके द्वारा। उसी के चलते कई सारे हॉस्टेजेस अभी भी गाजा में बंधक बनाकर रखे गए हैं। कुछ हॉस्टेजेस वापस आए थे बीच में, जो एक दो हॉस्टेज डील हुई थी उसमें, लेकिन अभी भी जो वहां पर हॉस्टेजेस की संख्या है गाजा में जो कि हमास और अन्य इस्लामिक ग्रुप्स के द्वारा बंधक बनाकर रखे गए हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो उसी के चलते वहां पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बीच बीच में कुछ हॉस्टेजेस को रिकवर किया जा रहा है और कुछ की डेड बॉडीज रिकवर की जा रही है, जैसे कि इन 6 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। उसी के चलते हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशंस अभी भी चालू हैं, और उसी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं उनका उपयोग इसराइल में जो लेफ्टिस्ट लॉबी है वो लोग भी कर रहे हैं टू फ्यूल द फ्लेम्स, उसमें और भी आग लगाने के लिए, ताकि बीवी नेतन्याहू को सत्ता पर से फोर्सफुली कू करके उतारा जाए, जिस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना को उतारा गया, जिस तरह से कई सारी अन्य और जगहों पर कू करके उनके जो लीडर्स हैं उन लोगों को सत्ता से हटाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये होता हुआ यहाँ पर इसराइल में दिख रहा है, लेकिन वहां पर इसराइल में नेशनलिज्म का जो एक माहौल है, जो भावना है लोगों के अंदर, जो इमोशंस हैं, वो काफी ही स्ट्रांग है। और वो लोग जानते हैं कि जिस दिन 7 अक्टूबर का हमला हुआ उस दिन सिर्फ वो हमास के आतंकियों ने ही नहीं बल्कि गाजा में ज्यादातर लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था। यानी कि ज्यादातर गाजा के लोगों में ये भावना क्लियर है कि इसराइल को खत्म करना है, और सेम वेस वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहां पर भी इसी प्रकार की भावना देखने को मिल सकती है। ऐसी कई सारी घटनाएं पास्ट में भी हुई है, और ये जो पैलेस्टीनियंस अपने आप को कहते हैं जो कि वेस्ट बैंक और गाजा के लोग हैं, उनको पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें से कोई भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि अगर इनको रेफ्यूजी के तौर पर भी अगर लिया जाए तो ये लोग पलट कर उन लोगों को ही मारने की कोशिश करते हैं, उनकी ही सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं, वहां पर अपना राज स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जॉर्डन और इजिप्ट ने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसके चलते पूरी दुनिया में से, चाहे वो ईरान और कतार ही क्यों ना हो, वे लोग भी पैलेस्टीनियंस को एज रेफ्यूजीज लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर से एक बार, जो भी हॉस्टेजेस जो कई 100 की संख्या में थे जिनको बंधक बनाकर ले जाया गया था 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद, उनमें से आधे से थोड़े बहुत ज्यादा लोग वापस आए हैं, लेकिन बाकी के जो हैं वो अभी भी बंधक बनाकर गाजा में रखे गए हैं या फिर संभवतः उनको मार दिया गया है। उनकी कोई भी खबर, कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। तो उसी के चलते IDF के जो ऑपरेशंस हैं, इसराइल डिफेंस फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं, वो अभी भी चालू है, ताकि उन बंधकों को डेड और अलाइव वापस लाया जा सके
ताकि उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी एक क्लोजर मिल सके और उनको भी एक क्लैरिटी मिल सके कि उनके जो परिवारजन है वो किस अवस्था में है। तो उसी के चलते बीवी नेतन्याहू के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी गवर्नमेंट में और उनके लीडरशिप में ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और इसके खिलाफ जो हाल में जो 6 बंधकों के डेड बॉडीज रिकवर किए गए हैं, जो लाशें रिकवर की गई हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आग को भड़काया जा रहा है ताकि बीबी नेतन्याहू को सत्ता से हटाया जा सके और जो लेफ्टिस्ट हैं वे लोग सत्ता को हासिल कर सके, हथिया सके। तो ये है पूरी कहानी वहां की, इसराइल में जो हाल में परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं उसके ऊपर। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।